बड़ी खबर आ रही है जंग के लिए ईरान की बड़ी तैयारी। लेबनान में बुलाई प्रॉक्सी की बैठक। कल बेरूत में प्रॉक्सी संगठनों की बैठक की जानकारी है। IRGC के कमांडर बैठक में रहेंगे मौजूद। तेहरान के बेहद सुरक्षित इलाके में इस्माइल हानिया की हत्या ने ईरान की साख पर सवाल उठा दिया है। यही वजह है कि ईरान हानिया पर हमले से जुड़ी बेहद कम जानकारी दे रहा है। हानिया जिस इमारत में था वहां मिसाइल से हमला हुआ या फिर किसी ड्रोन से धमाका कराया गया, ये भी साफ नहीं हुआ है। एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि इसराइल की खुफिया एजेंसी इस्माइल हानिया के फोन से उसकी लोकेशन ले रही थी और सही मौके का इंतजार कर रही थी। दावा यह भी ईरान के किसी पड़ोसी देश के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके इमारत पर मिसाइल से अटैक किया गया। ईरान का एक बेहद सुरक्षित इलाका, राजधानी तेहरान का वो VVIP जोन जहां विदेशी मेहमान और बड़े लीडर्स रहते हैं। राष्ट्रपति भवन से कुछ ही दूरी पर इसी घर में मौजूद था हमास का नेता इस्माइल हानिया। लेकिन तेहरान के सेफ जोन की तमाम सुरक्षा को भेद कर एक ऐसे हमले को अंजाम दिया गया जिसमें इस्माइल हानिया अपने बॉडीगार्ड के साथ मारा गया। इस पर्दे को देखकर अंदाजा होता है कि हमला करने वालों को हानिया की कितनी सटीक जानकारी थी। पूरी बिल्डिंग को उड़ाने की जगह सिर्फ उस हिस्से और उस कमरे में हमला हुआ जहां हानिया मौजूद था। एक रिपोर्ट में दावा है कि हानिया के एक बॉडीगार्ड ने जानकारी लीक की। हानिया का बॉडीगार्ड हमलावरों से मिला हुआ था। हमलावर हानिया के फोन को ट्रैक कर रहे थे। हमला कैसे किया गया इसे लेकर अलग अलग दावे हैं। पहले दावे के मुताबिक इस्माइल हानिया को मारने के लिए एक ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। कहा जा रहा है कि ड्रोन खिड़की के रास्ते कमरे में गया और फिर जोरदार धमाका हुआ। अंदेशा है कि हमले के लिए छोटे क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल हुआ क्योंकि राष्ट्रपति भवन के पास एयर डिफेंस तैनात है। छोटे ड्रोन में विस्फोटक लगाकर हमले की आशंका है। छोटे आकार का ड्रोन बेहद नजदीक उड़ता है और इससे बहुत कम आवाज आती है। माना जा रहा है कि क्वाडकॉप्टर से हमले की वजह से ही ना तो एयर डिफेंस एक्टिव हुआ और ना ही हानिया के बॉडीगार्ड सचेत हो सके। ईरान में हानिया को 3-लेयर प्रोटेक्शन दी गई थी, यानी पहला घेरा ईरान की पुलिस का था जो इस पूरे इलाके के चारों तरफ तैनात थे। दूसरा घेरा ईरान की सेना के कमांडो का था। ईरान के कमांडो घर के सबसे निचले हिस्से में मौजूद थे। तीसरा लेयर हानिया के पर्सनल बॉडीगार्ड्स का था जो हर वक्त उसके साथ रहते थे। हानिया जब इस इमारत में था तब ईरान के तमाम कमांडो और फिलिस्तीनी बॉडीगार्ड्स भी आराम कर रहे थे क्योंकि इस सेफ जोन में किसी को हमले की आशंका नहीं थी। हालांकि दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान के किसी पड़ोसी देश के एयर स्पेस से फाइटर जेट से यह हमला किया गया। हानिया जिस घर में मौजूद था उसके आसपास का इलाका बिल्कुल खाली है। यही वजह है कि एयर स्ट्राइक के जरिए इमारत के बीच के हिस्से पर हमला करना आसान था। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि फाइटर जेट से किसी मिसाइल का इस्तेमाल किया गया होगा। मिसाइल के मलबे से पता चलेगा कि किस देश के हथियार से हमला किया गया। हालांकि अगर हमला छोटे आकार के ड्रोन से हुआ तो हमला करने वाले देश का पता लगाना बेहद मुश्किल होगा क्योंकि विस्फोटक की वजह से ड्रोन बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया होगा।
गाजा में हमास के डिप्टी चीफ खलील अल हैया ने दावा किया है कि इस्माइल हानिया की मौत मिसाइल हमले में हुई। अल हैया के मुताबिक हानिया के रूम की दीवारें क्षतिग्रस्त हो गईं। शक्तिशाली मिसाइल हमले की वजह से खिड़कियां और दरवाजे भी टूट गए। कई बार ये साबित हो चुका है कि ईरान में मोसाद का मजबूत नेटवर्क है। ईरान के परमाणु मिशन पर मोसाद पूरी जानकारी रखता है। ईरान से सटे आर्मेनिया बॉर्डर पर मोसाद के कई सीक्रेट ठिकाने हैं। ईरान में मोसाद के एजेंट्स कई ऑपरेशन को अंजाम दे चुके हैं। ईरान के सबसे बड़े परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की हत्या करके मोसाद दिखा चुका है कि ईरान में उसकी पकड़ कितनी मजबूत है। माना जा रहा है कि मिसाइल हमले के लिए आर्मेनिया के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया गया। आशंका यह भी है कि हानिया की हत्या के लिए स्पाइक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ। स्पाइक एक नेवल और सरफेस टू एयर मिसाइल। स्पाइक मिसाइल से कंट्रोल्ड हमला किया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद से ही इजरायली खुफिया एजेंसी इस्माइल हानिया को मारने के मौके की तलाश में थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप के जरिए मोसाद को हानिया की लोकेशन मिली। इजरायली खुफिया एजेंसी ने स्पाईवेयर वाला एक व्हाट्सएप संदेश भेजा था। फोन से ही इजरायली खुफिया एजेंसी को सटीक लोकेशन मिल रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की खुफिया एजेंसी एक ऐसे मौके की तलाश में थी जब हानिया की मूवमेंट ना हो रही। यही वजह है कि हमला उस वक्त हुआ जब हानिया एक इमारत में था। इसराइली खुफिया एजेंसी की कोशिश थी कि हानिया की मौत के वक्त उसके साथ ईरान का कोई बड़ा नेता ना हो, इसलिए हमला ऐसे वक्त में किया गया जब हानिया से किसी के मिलने का कार्यक्रम नहीं था। ईरान ने फिलहाल हत्या के तरीकों और जांच को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि मोसाद के सीक्रेट ऑपरेशन किस तरह के होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।